आप लोगों ने थंबनेल सही देखा है, आयरन मैन इज बैक। आयरन मैन एमसीक्यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। अवेंजर एंडगेम में अर्थ को थाने से बचाने के लिए आयरन मैन को अपनी खुद की जान देना पड़ा। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, आयरन मैन कैरेक्टर को अवेंजर एंडगेम में खत्म कर दिया जाता है, जो कि आयरन मैन के फैन के लिए बहुत ही बड़ी बुरी बात थी। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के आयरन मैन के रिटर्न के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि वो दो आयरन मैन कौन है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली आयरन मैन है वो है एमसीयू के आयरन मैन। इस आयरन मैन को अवेंजर एंडगेम में खत्म कर दिया गया था, पर आयरन मैन की इतनी बड़ी फैन बेस को देखकर एमसीयू ने आयरन मैन को फिर से रिटर्न किया है। आईएमडीबी न्यूज और कुछ ऑफिशियल सोर्सेस से ये पता लगा है कि आयरन मैन के कैरेक्टर को आयरन हार्ट नाम के टीवी सीरीज में लिखा जाएगा, जो कि डिज्नी प्लस में रिलीज होगा। अगर पर इस सीरीज में एक ट्विस्ट है, अगर सीरीज की मैं बात करूं तो सीरीज में रिरी विलियम्स, जो कि एमआईटी की स्टूडेंट होती है, वो आयरन मैन की तरह तो इंटेलिजेंट नहीं होती है, पर उसी की तरह एक डुप्लीकेट आर्मर बनाती है। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पर आयरन मैन की क्या रोल है, तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आयरन मैन को एक एआई के रूप में दिखाया जाएगा, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जार्विस को अवेंजर में दिखाया गया था, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को केवल आयरन मैन की वॉइस सुनाई देगी। तो अगर मैं दूसरे आयरन मैन के बारे में बात करूं, तो वो है मार्वल कॉमिक्स में जो आयरन मैन को दिखाया गया है। मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन को सिविल वॉर 2 के इवेंट में कैप्टन मार्वल के द्वारा मार दिया जाता है, पर कुछ साल के बाद टोनी स्टार्क के क्लोन को बनाया जाता है, जिसके पास टोनी स्टार्क के कॉन्शसनेस है, जो कि आयरन मैन की लेगेसी को संभालता है। तो ये थी कुछ अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।